फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। जैसे देख रहे हैं ना, आज यही मजेदार ड्राई फ्रूट से भरी हुई नमकीन की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, चिवड़े की नमकीन। थोड़े से ट्रिक्स हैं, टिप्स को फॉलो करके आप ये नमकीन बनाएंगे, एक भी चूड़ा आपका टूटेगा नहीं और बहुत मजेदार ये नमकीन बनकर तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं इस मजेदार सी नमकीन को कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चिवड़े की मजेदार नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम चिवड़ा। आप देख सकती हैं बिल्कुल महीन वाला चिवड़ा मैं यूज कर रही हूँ और दो तीन टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे आपकी चूड़े की नमकीन बहुत अच्छी बनेगी। बहुत लोग की शिकायत रहती है कि भूनते भूनते चूड़ा हमारा बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि ये बहुत बारीक वाला हमने लिया है। तो इसके लिए अभी मैंने ये ठंडी कढ़ाई है, गैस को ऑन नहीं किया है और हमने अपने चूड़े को कढ़ाई में डाल दिया है और डालने के बाद अब हम गैस को ऑन करते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है और अब हम बहुत बड़े स्पून से या स्पैचुला से चूड़े को चलाते हुए नहीं भूनेंगे। जैसे ये इतना बड़ा है बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। दो नॉर्मल हमने टीस्पून लिए हैं, ये देखिए, और चूड़े को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम अपने चूड़े को इस तरह से दो स्पून की हेल्प से हम अपने चूड़े को भून लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये चूड़ा हमारा बिना टूटे बहुत अच्छा भून के तैयार हो जाएगा। चूड़ा हमारा देखिए 5 से 7 मिनट हो गया है और ये बिल्कुल अच्छा सा भुन गया है। आंच को हमने मीडियम ही रखा था और फ्रेंड्स, जब हमने कढ़ाई में चूड़ा डाला था तो कढ़ाई भी आपको बताई थी कि गैस ऑफ थी और इसमें कोई भी घी तेल का हमने यूज नहीं किया था। मैं आपको एक चूड़ा दिखा देती हूँ कि कितना क्रंच, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये चूड़ा भुन चुका है। सारे चूड़े अच्छे से ये टूट रहे हैं और अब गैस को हम बंद कर देते हैं। गैस पे हमने रख दिया है दूसरा पैन और पैन में हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के ऑयल। ऑयल की जगह आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं। मुझे देसी घी की नमकीन कम पसंद है इसलिए मैं ऑयल यूज कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप भर के मूंगफली के दाने। फ्रेंड्स, मेजरमेंट इस नमकीन में किसी भी चीज का कुछ नहीं है। आपको जो चीज ज्यादा अच्छी लगती है आप वो चीज ज्यादा डाल लीजिए और जो चीज कम अच्छी लगती है उसको कम डाल लीजिए। मैंने 1/2 किलो चूड़ा लिया था तो इसमें मैं 1 कप मूंगफली डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हम भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने के। दाने हमारे अच्छे से बिल्कुल भून गए और कलर भी देखिए इनका कितना अच्छा आ गया है, गोल्डन ब्राउन। मूंगफली के दानों को भी हम एक जाली पर निकाल लेते हैं जिससे इसका सारा ऑयल निकल जाए और अब हमें जो जो ड्राई फ्रूट्स डालना है चूड़े की नमकीन में हम उनको भी हल्का सा भून लेते हैं। मूंगफली को हमने निकाल लिया है और अब इसी ऑयल में हम डाल रहे हैं थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू के टुकड़े हमने 2 पार्ट में कर लिए हैं और थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल, इसको हमने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। इसको भी 1 से 1.5 मिनट बस हम अच्छे से भून लेते हैं। बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्रंच आ जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ड्राई फ्रूट्स में भी देखिए अच्छा सा कलर आ गया है और क्रंच हो गया है बहुत अच्छे से। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं एक जाली पर जिससे एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से भी निकल जाए। पैन में से हमने सारा ऑयल निकाल दिया है और बस जो हल्का हल्का से ये चिकना रह गया है इसमें हम डाल देते हैं 2 मुट्ठी के लगभग मखाने। मखाने को बस हल्का सा हम 1/2 मिनट करीब हम इसमें चला लेते हैं और बस मखाने भी हमारे भून के रेडी हैं
और फिर हम अपने चूड़े में सारी चीजें मिक्स करके नमकीन तैयार करेंगे। मखाने भी हमारे अच्छे से क्रंची हो गए, मखानों को भी अब हम निकाल लें। वापस हमने उसी पैन में एक टेबल स्पून ऑयल और डाला है और अब इसमें हम डाल देते हैं राई के दाने। 1 टीस्पून हमने ले लिया है राई। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे कर देते हैं जिससे राई हमारी तड़क जाए लेकिन जले नहीं। और इसी के साथ हम डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्च हमने लंबाई में काट ली है और थोड़े से कड़ी पत्ते। इन सब चीजों को अच्छे से हम भून लेते हैं। कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, राई हमारी अच्छे से भुन गई है और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसको भी मिक्स कर देते हैं और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। और अब हमारा टाइम आया है नमकीन को फाइनल टच देने का। उसके लिए हमने जो चूड़ा एक तरफ भून के रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं अपने भुने हुए काजू बादाम और नारियल, मूंगफली के दाने, भुने हुए मखाने। मैंने पहले भी बोला कि मेवा की क्वांटिटी, मूंगफली की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं ये जो हमने छौंक बना के रखा है, सारे छौंक को हम ऐड कर देते हैं। और इसमें जाएगा अब हमारा नमक, 1 टीस्पून के लगभग हम नमक डाल देते हैं, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा हम चीनी भी डाल रहे हैं इसमें, आप चीनी को स्किप करना चाहें तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है नमकीन का। 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम डाल दी है इसमें चीनी और अब इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर। 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें अमचूर पाउडर और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें चाट मसाला। इसमें ऐड हो गया हमारा लास्ट में चाट मसाला और अब इसको हम बहुत हल्के हाथों से मिक्स करें। एक बार ध्यान रखिएगा, बहुत हल्के हाथों से आप बस साइड में डालकर चमचे को इसको अच्छे से मिलाइएगा। और ये लीजिए, बनके रेडी है मजेदार सी ड्राई फ्रूट से भरी हुई चूड़े की नमकीन। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी मिनटों में बन जाती है और आप इसे महीने भर तक स्टोर करके एयर टाइट जार में रख सकते हैं। एक बार बनाइएगा और कैसी बनी जरूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।